हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डिजीजेस विच अफेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। बीमारियां जो प्लांट्स और एनिमल्स को नुकसान पहुंचाती हैं, इफेक्ट पहुंचाती हैं। गिवन हेयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स पैथोजीनस एंड द डिजीज दे कॉज अमंग देम। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। एंथ्रेक्स अमोंग कैटल इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ से होती है, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ रस्ट जनरली अफेक्ट प्लांट्स ऑर्गेनिज्म। मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रस्ट डिजीज अमोंग प्लांट्स इज फंगाई। द फूट एंड माउथ डिजीज अमोंग कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। स्लीपिंग सिकनेस अमोंग कैटल इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। स्लीपिंग सिकनेस है, वो भी प्रोटोजोआ से होती है। अर्ली ब्लाइंड ऑफ पोटैटो इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। डेड स्प्रिट स्लीपिंग सिकनेस बिट ऑफ मॉस्किटोस, मॉस्किटो के काटने से स्लीपिंग सिकनेस होती है। विच माइक्रोब्स कॉज द सेट्रस कैंकर डिजीज अमॉन्ग प्लांट्स बैक्टीरिया। द डैश कॉजेज ब्लैंक स्मट ऑफ व्हीट फंगी। रूट नॉट डिजीज ऑफ ब्रिंजल इज कॉज बाई नेमाटोड। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाइए, वो आपको अपने कॉपी में करना है। अब ये चैप्टर देखिए, द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स हैं उनकी दुनिया। एज सून एज वी यूज द वर्ड्स बैट्समैन बाउलर स्टम्प विकेट एंड गोल आवर माइंड वर्क्स आउट दैट वन ऑफ दिस वर्ड इज नॉट एसोसिएटेड विद क्रिकेट। ये जो भी वर्ड्स रखे हैं सबके माइंड में आएगा कि एक जो वर्ड है वो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। गोल, ऑफ कोर्स यस, योर माइंड हैव अ स्पेशल एबिलिटी टू डू इस। आपके माइंड में स्पेशल एबिलिटी है इसे करने की। मतलब इसमें आपको एक लिस्ट दे रखी है, इस लिस्ट में ये बताना है सबसे अलग कौन सा है। ब्रेड, सोडा, टी, कोला, कॉफी, मिल्क। कोला, कॉफी, मिल्क ये सब लिक्विड चीजें हैं ना, ब्रेड लिक्विड नहीं है इसलिए ब्रेड सबसे अलग है। पोलैंड, रशिया, रोम, लोस, ये सब अलग है। श्रीलंका क्या है, आइसलैंड है। एलिफेंट, लायन, जिराफ, टाइगर, राइनोसोरस और लेजर। लेजर सबसे अलग इसलिए क्योंकि ये रेंगने वाला जानवर है, ठीक है, क्योंकि ये रेप्टाइल है। स्टॉकिंग, ब्लाउज, वेस्ट कोट, हैट, ग्लोव्स, ये सारे क्या है। स्टॉकिंग, ब्लाउज, हैट, ग्लोव्स, ये सारे कपड़े हैं ना, सब हम पहनते हैं, बैग नहीं पहनते हैं। नाइफ, फॉक, स्पून, लैडल, चॉपस्टिक्स, ये सारे क्या कुकिंग की चीजें हैं, इससे खाना बनता है। ग्रिल से खाना बनता है नहीं, तो ग्रिल सबसे ऑड है। एरोप्लेन, बर्ड, रॉकेट, बैलून, जेट, ये सारी चीजें उड़ती हैं लेकिन कैट उड़ती नहीं है इसलिए कैट सबसे अलग है। फुटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, गोल्फ, पोलो, हॉकी, ये सारे आउटडोर गेम्स हैं। फुटबॉल, क्रिकेट, गोल्फ, पोलो, हॉकी, सारे क्या आउटडोर गेम्स हैं। बॉक्सिंग क्या है, इनडोर गेम। सेक्रेटरी, जज, टीचर, नर्स, पोस्टमैन, ये सारे प्रोफेशन है, ठीक है, और मैन कोई प्रोफेशन नहीं है इसलिए मैन सबसे अलग है। तो बच्चे आपको ये अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वन वर्ड फॉर मैनी, एक वर्ड बताना है हमें। यहाँ पे हमें कुछ लाइन्स दे रखी है, हमें इसके लिए एक वर्ड बताना है। वन हु लुक्स डाउन अपॉन ऑल ऑर्डिनरी पर्सन, क्या है, स्नोब। स्नोब मतलब घमंडी। टू गिव, लेंडर यानी दान देना कुछ भी। टू फील सॉरी, रिग्रेट यानी कि दुखी, फील का सॉरी मतलब सॉरी फील करना यानी दुखी होना, रिग्रेट मीन्स दुखी होना। लिविंग अवे फ्रॉम वंस ओन प्लेस अगेंस्ट वन विल्स, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब किसी एक जगह से दूसरी जगह निवासन करना यानी एक्साइल। कन्फाइनिंग अ पर्सन टू हिज हाउस यानी हाउस अरेस्ट, नजर बंद हो जाते हैं, घर में बंद हो जाते हैं, नजर बंद होना। एंड इंटेलेक्चुअल ऑफ ग्रेट एमिनेंस, जीनियस यानी बहुत प्रतिभाशाली, हर चीज में निपुण, हर चीज में निपुण होता है उसे बोलते हैं हाउस जीनियस। एंड ओल्ड लेडी एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर द यंग वन, एक बूढ़ी सी होती बूढ़ी लेडी है जो जवानों की सेवा करती है, मतलब जो यंग वन से उनकी सेवा करती होती है, आया नैनी। अ लॉन्ग डिप्रेशन इन लैंड सरफेस विच यूजली कंटेन्स अ रिवर,
वैली, वैली क्या होती है, घाटी। यूनिवर्सल एंड रिलायबल रेमेडी पैनेसिया, रामबाण, संजीवनी बूटी वगैरह होती है, संजीवनी होती है, रामबाण बोलते हैं वो, मतलब किसी भी चीज़ का बोलते नहीं रामबाण इलाज है ये ऐसा कुछ। वो ए पर्सन हु डिवाइंस द फ्यूचर, जो फ्यूचर देखता है, और ओरेकल भविष्यवाणी जो करता है, जो फ्यूचर देखता है भविष्यवाणी करता है वो। वन हु इज कंपल्सिव स्टीलर, जो चोरी करता है, ठीक है, जो चोरी करने की बीमारी से पीड़ित होता है, जिसे चोरी करने की बीमारी होती है, कैप्टोटोमैनिक। ए पर्सन हु सेट अप्स हिज हर ओन बिजनेस इंस्टीट्यूट ऑफ सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, जो अपना बिजनेस खुद चलाता है, जो होते हैं ठेकेदार वगैरह होते हैं, जो अपना खुद का बिजनेस होता है, फिर एम्प्लॉयर्स से काम करवाते हैं, ठेकेदार होते हैं वो, ठीक है, एंटरप्रेन्योर यानी ठेकेदार। तो बच्चों आपको ये अपनी कॉपी में करना है, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।